प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें, इसकी पूरी जानकारी A to Z। 25 दिन की नर्सरी है, 25 दिन में हम कौन सी खाद डालेंगे और कितनी मात्रा में डालेंगे, इसका हम आपको 3 मिनट में आपको ये बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी धान की डालने जा रहे हैं तो पहली खाद उसमें आप 1 एकड़ भूमि की, यदि आप नर्सरी डालने जा रहे हैं कि मतलब 1 एकड़ भूमि है जिस पर आपको रोपाई करानी है धान की, उसकी नर्सरी 1 बिस्वा जमीन में आप डालें और उस 1 बिस्वा जमीन में DAP खाद को 1 किलो से 1.5 किलो तक डाल सकते हैं। दूसरी चीज, मैं आज आपको एक प्रैक्टिकली ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यदि आप हो सके तो अपनी धान की नर्सरी में भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप केमिकली खाद को डालें, ऑर्गेनिक खादों को भी डालें, केचुए की खाद या गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उस खाद पर भी नर्सरी को उगा सकते हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। साथियों, ये मैं धान के कुछ पौधे आपको लाया हूँ दिखाने के लिए कि ये ऐसे किसान का पौधा है जिसने अपनी नर्सरी में DAP खाद को डाला ही नहीं था, मजबूरी बस नहीं डाला, उसके पास पैसा नहीं था वो DAP खरीदने का, उसने उसके पास गोबर की खाद थी और उसने डाल दिया और डालने के बाद आज मैं उसके खेत का ये लाया हूँ उखाड़ करके आपको ये दिखाने के लिए कि यदि आप DAP खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और गोबर की खादों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उनका प्रभाव क्या पड़ता है पौधों पर। उनका प्रभाव ये पड़ता है कि जड़ें खूब बढ़िया विकसित होती हैं। ये आपको देखने में भी दिखेगी कि नर्सरी केवल 20 से 25 दिन की है और 25 दिन में जड़ें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और बिल्कुल वाइट कलर की हैं। इनमें से कोई भी जड़ जो है डैमेजेस नहीं है, डैमेज नहीं है, बिल्कुल वाइट है और लंबी है और खूब चखलादार। जिस पौधे की जितनी बढ़िया जड़ होगी वो पौधा उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए हम ये सलाह दे रहे हैं कि ये आपकी नर्सरी हो सके तो खाद ना ही डालें, गोबर की खाद पर तैयार करें नर्सरी ताकि पौधा आपका अच्छा तैयार हो। आप 1 किलो खाद डाल दिए और आप खाद को नर्सरी का बीज जब छोड़ेंगे उससे 2 दिन पहले ही डाल दिया करें, हो सके तो, नहीं तो 1 दिन पहले तो जरूर डाल दें और फिर आप अपने धान को छीट दें। फिर जब आपकी नर्सरी 10 दिन की हो जाए तब आप उसमें 1 बिस्वा जमीन के लिए 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक और प्लस 50 ग्राम कार्बेंडाजाइम मैंगो दोनों एक साथ मिश्रण करें, आधा किलो उसमें यूरिया मिलाएं और उसको खेतों में अपने बिखेर दें। ये खाद आप अपनी नर्सरी के 10 दिन की हो जाने के बाद आप डालेंगे। साथियों, दूसरी बार आप जब आपकी नर्सरी 18 से 20 दिन की होगी तो फिर आप यही इतनी खाद 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक और 50 ग्राम उसमें कार्बेंडाजाइम मैंगोज़ और आधा किलो यूरिया, अगर आपको इतनी चीज, लोगों का कहना है कि इतनी चीज को 1 बिस्वा में छींटने में दिक्कत होती है तो उसमें आप 2 किलो के करीब उसमें रेत मिला लें, मोटी पतली जो जिससे की दीवारें बनती हैं वो रेतों को मिला लें या बालूदार मिट्टी हो तो उसमें मिट्टी मिला लें और इसको मिला के सीधे बिखेर दें। बिखेरते समय आपको ध्यान देना है कि खेत में पानी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भरा ना हो। साथियों, ये मैं वो बातें आपको बताई जो आपको अपनी नर्सरी में खाद का प्रबंधन, आप इसको इसी अनुसार प्रयोग करिएगा, आपको ये वीडियो लाभकारी लगेगा। यदि ऐसा लगे, दिल को आवाज़ आए कि हाँ वीडियो बढ़िया था, तो लोगों में आप इसको शेयर करिएगा, मेरा वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।